मेरे लिए आप ही बोल दो आज। हाँ, लाइक करें अमन लोहेरा के व्लॉग से। तो सबसे पहले हमारे चैनल को वो सर, अरे यार मेरा सफर कराइब सब सामान है, खाने पीने का सब एक चीज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 17 जून, और बहुत दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा होगा। आप शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा। एक्चुअली मैं लगा हुआ था कुछ एक बड़ा प्लान करने में और बड़ी ट्रिप को प्लान करने में, और मेरे साथ साथ हमारा ग्रुप है, आज सबसे मिलाऊँगा आज आपको। और आज हमारा ग्रुप जा रहा है पूरा लद्दाख। हम दिल्ली से जा रहे हैं लद्दाख बाय रोड अपनी गाड़ी अर्टिगा से, जो कि अपनी गाड़ी ये है। अभी दोनों एकदम रेडी है। हमने रात को ही अपना सारा सामान लगेज अपना इसके अंदर से हमने पैक कर दिया है इसके अंदर, और जो बाकी लगेज है वो हमारा कुछ हमारा इसमें आ जाएगा डिग्गी के अंदर, और कुछ रहता है जो वो हल्का फुल्का लगेज वो अंदर आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। सो दोस्तों, इस बार की जर्नी होने वाली है फुल ऑफ फन, मज़ेदार, एकदम फुल इंजॉय से। पता नहीं कितने दिन का टूर होगा, देखते हैं। हम आइडिया लेके चल रहे हैं कम से कम 10 दिन का। बाकी अपना बढ़िया से कैंपिंग सेटअप पूरा लेके चल रहा हूँ। बहुत शॉपिंग करी है इस चीज़ के लिए, पूरा कैंपिंग सेटअप के लिए, बूट एंड गैस वगैरह सब कुछ ले लिया है। बिल्कुल अपनी तरफ से हमने पूरी तैयारी कर रखी है। बाकी हम आपको आगे दिखाते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी की हुई है, और बाकी आगे आप व्लॉग में आप सब देख ही लोगे। सो दोस्तों, अभी हमने कर दिया अपना मीटर ज़ीरो और अपनी करते हैं ड्राइव स्टार्ट। बोलो शंकर भगवान की जय। तो अभी मिलाना चाहता हूँ आपको सबसे अपने ग्रुप से। तो सबसे पहले मिलिए आप, ये हमारे बड़े भाई, इनका नाम है अजय भाई, और ये हमारे दूसरे बड़े भाई है सोनू भाई। हेलो गाइस। यस। और ये हमारे चिंटू भाई, और पिताजी को तो आप जानते ही हो। तो दोस्तों रेडी होना सारे के सारे, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी, ऑल द जोश, जोश। सो दोस्तों 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 बजे से पहले खोलेंगे नहीं। पीछे वाला पेट्रोल पंप इसीलिए छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेशर अच्छा मिलेगा। मॉर्निंग का टाइम है, अभी तो मॉर्निंग में प्रेशर अच्छा होगा ना, अच्छा मिलना ही चाहिए। सो गाइस, इसी के साथ हम पापा की मेडिसिन घर पे ही भूल गए हैं, जो कि बहुत जरूरी है। कोई नहीं, वापस चलेंगे। फिर वापस चलना पड़ेगा, और क्या करें फिर। मेडिसिन कोई ऐसा बंदा है नहीं जो दे जाता। तिलकनगर में मोनू, तेरे पास कोई बंदा बाइक में लेकर आ जा, तिलक नगर नहीं, आरी नगर खड़े। चलो देखते हैं अभी एक बार। तो इसी के साथ अपना आ गया नंबर सीएनजी का, और जो मेडिसिन भूल गए थे कोई बात नहीं, अपना धर्मेंद्र भाई जिम में अपना स्टूडेंट अपना भाई है, तो भाई आ रहे हैं पापा की बाइक से लेकर पापा की मेडिसिन। नहीं तो अपने आप को जाना पड़ता, क्या करें। कोई नहीं, मैंने उनको लोकेशन भेज दी है, बाकी धर्मेंद्र भाई आ रहे हैं और मेडिसिन आ जाएंगे पिताजी की, बस वही भूल गए। तो सीएनजी हो गई है फुल, और अभी पेट्रोल भी यहीं करवा लेते हैं लबालब, यानी टैंक करा लेते हैं फुल। ठीक है भैया, कर दो। हमारे बड़े भैया पूरा हिसाब किताब करते हुए, कड़ा माल तो हमारे इधर है लिया है। चिंटू भाई, ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला आने वाले टाइम में, अभी देख ले 10 दिन के लिए बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए, हमें ही करना है ये। कहाँ रह गया धर्मेंद्र भाई? तो दोस्तों फाइनली अब आए भाई, और ये देखो कहाँ, पता नहीं कहाँ से भटकते हुए आ रहे हैं यार ये। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आ गए हम पहाड़ों में, घर से निकलते पहाड़ों में आ गए घर से। ये देखो हमारे सामने रे पहाड़, ये कूड़े का पहाड़ है एक्चुअली, ये हमारा बाईपास है, जीटी करनाल रोड आ गए हम। ये सामने देखो ये है, हम आ गए हैं मुरथल हमारे बाबा जी के धाम पे। यहाँ पे हमारे पांचों बावरियों का धाम है, और हमारे नागे बाबा जी के भी मंदिर है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं, पहले बाबा जी का दर्शन करते हैं। जय जय बाबा की, जय श्री महाकाल की जय। इतना प्यारा गार्डन बना रखा है,
और दोस्तों आज तो मौसम भी पूरा साथ दे रहा है। देखो मॉर्निंग का ये करीब टाइम हो गया है, कीचड़ हो रही यार घास में, 8:10, बट वेदर देखो दोस्तों बहुत प्यारा हो रहा है। गर्मी है, थोड़ी उमस है, बट वेदर को देखते हुए मज़ा आ रहा है। बस ऐसे ही रहे भोलेनाथ जी की दुआ से, आज का दिन मज़ा आ जाएगा। शाम तक कोशिश है कि गाड़ी मनाली लगा देंगे, अब बाबा जी का और दर्शन करके और प्रसाद चढ़ा के बस यहाँ से सीधा निकलते हैं। फिर ये हमारे नागे बाबा जी का धुना है, रोक लिया। तुम्हारे साथ रहूंगा तो समझाऊंगा भाई। नहीं मुझे नहीं पता था। तो दोस्तों नई चीज आज पता चली है कि चलो फिर बजाओ, आते तो फिर बजाओ। ठीक है, तो कभी भी मंदिर में आते हो दर्शन करते वक्त तो पहले जब एंट्री करते तब घंटी बजाना चाहिए, एग्जिट करते टाइम नहीं बजानी चाहिए। तो आगे से ध्यान रखेंगे, आप लोग भी ध्यान रखना, ये हमारे बड़े भैया बता रहे हैं। तो चलो कुछ सीखने को मिलेगा इस ट्रिप पे, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फुल मज़ा भी आएगा। सो अभी हमारी पूजा हो गई है, बाबा के दर्शन हो गए, मत्था टेक लिया है, अब बस भाई पंजा रख देंगे। सो दोस्तों देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, अभी सुबह अभी टाइम ही क्या हुआ, 8:30 का टाइम हुआ और अभी से इतनी लंबी लाइन है टोल की। ये एक्चुअली पहला टोल है हमारा, शुरुआत हो गई जी हमारी सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ बस टोल पे। कितनी थी, कितना कटा इसका? कैश में डबल लेते हैं भाई, 70 होगा तो 140 लिया जाता है। इससे अच्छा भैया अपना फास्टैग लगवा लो, सबसे बेस्ट वही है। ये दोनों बज जाते हैं ना सोनू यार, तेरा बंदा फोन उठा लेता था। कोई बात नहीं भाई, आपने फोन नहीं उठाया, गलत बात है आपकी। आप देखोगे ये ब्लॉग आने वाले टाइम में, पक्का बता रहा हूँ। इतना तो है पक्का। बट कोई बात नहीं भाई, अगर आप नाइट शिफ्ट करके गए हो तो हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए ना घर से निकलते वक्त, तो इसीलिए कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हमारी सीएनजी हो गई है ख़त्म 210 पे, और काफ़ी अच्छी गाड़ी एवरेज दे रही है। फुल सिलेंडर में हमने पूरे 200 किलोमीटर कवर किए, नॉट बैड। तो अभी हम जस्ट अम्बाला पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है बस, तो मिलता है जहाँ पे सीएनजी पे वहाँ पे रिफिल करा लेंगे। और भूख भी लग रही है अब तो, कुछ खाना है। ये देखो सामने तीर कमान, ये देखो अंबाला का तीर कमान। ओ भाई क्या तेज धूप हो रही है यार, गर्मी तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं जरी। सामान अपना एकदम ओके है अभी तक तो, एक बार चेक कर लेते हैं। बवाल गर्मी हो रही है भाई बाहर तो एकदम भयंकर। एसी बंद करने का मन ही नहीं कर रहा गाड़ी का, चलने दो भाई। सो दोस्तों अभी जस्ट टोल पार क्या है, और टोल पार करते ही एक ये पड़ता है बनूर, और हिंदी में ये बनूड। तो जैसे ये आता है इसके बाद यहाँ से रास्ता निकलता है एक ऊपर फ्लाईओवर, जो कि सीधा जाता है ऊपर चंडीगढ़ की तरफ ही, और इससे जस्ट स्लाइड लेफ्ट, और ये है जो कि मनाली के लिए सीधा रास्ता, जो कि चंडीगढ़ कट जाएगा हमारे बीच में ना, जो राइट हम मार लेंगे ये राजपुरा होते हुए। तो अभी हमें ये वाला रूट पकड़ना है, बड़े भाई बोल रहे हैं, तो अभी किसी रूट से चलते हैं। तो कौन सी लिए, ये कितनी पेटी ले ली भाई, एक पेटी कितने की पड़ी? तो पानी की पेटी ले ली है अच्छे से चार, ये रही किंग फिशर की। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है पहाड़ों में, वहाँ तो मिलेगा ही, पर जब तक वहाँ तक पहुँचे तो पानी जरूरी है ना, तो इसलिए यहीं से ले लिया है अम्बाला से। तो फाइनली हमें सीएनजी मिल गई है। उधर कौन सी जगह है भाई, ये बनूड तो सीएनजी हो गई है भैया अपनी रिफिल फुल हो गई है। यस खाना खाएंगे जहाँ भी अच्छी जगह मिलेगी। जाना है
जी अभी रोक लिया है हमें। अभी हमें चेक पोस्ट पे रोक लिया था तो कोई बात नहीं, बाकी उन्होंने सिर्फ चेकिंग की, कुछ नहीं किया। उन्होंने देखा कि खाने पीने का सामान है गाड़ी के अंदर, अपना लगेज ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं फालतू आइटम, तो उन्होंने जाने दी। भंडारा दिख गया कहीं तो पहले भंडारा देखते हैं। ये ले लिया भंडारे का हलवा, मजा आ जाएगा, टेस्ट करते हैं गर्मा गर्म है। लो जी कहाँ जा रहे हो? ले लद्दाख। गड्डी अपनी है किसी? हाँ जी अपनी है जी। मालिक की का कौन है? मालिक जी है हमारे। अच्छा ये ऊपर क्या बनने वाला? सब सामान है, खाने पीने का सब एक चीज। खाने पीने का? हाँ जी। पीने का नहीं, खाने का सामान। तो खाने का? पीने का नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो कोई नहीं पीता। ठंड बहुत है, पीने में तो जरूरी होगा। कोई कोई मुंडा नहीं पीता ना, जाके सस्ती है, असि पीते ही नहीं पाजी। सस्ती है तो दोस्तों अभी दोपहर के हो गए हैं 12:50, गाड़ी लगा दी है और एक यहाँ पे ये है जग्गी ढाबा। एक्चुअली खाना तो हम अपना घर से लेकर आए हैं, बट कोई नहीं, यहाँ पे खा लेंगे बैठ के, हमने परमिशन भी ले ली है, तो यहाँ बैठ के अपना खाना खाते हैं और कुछ थोड़ा सा ऑर्डर भी कर लेंगे कुछ जो मन करेगा। तो अपना खाना आ गया है, ये क्या है? आलू की सब्जी है, क्या बात है। और ये भी आलू का चोखा है भाई, ला बेटा वो क्या है दिखाई? ये अरवी की सब्जी, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और क्या उसमें होगी? भिंडी, यस। अलग अलग वेराइटीज है इसमें। चलो जी सेल्फ सर्विस है जी, खाओ। लो जी तो मज़ा आ गया, एकदम बढ़िया खाना वाना हो गया अपना। अब पिताजी थोड़ा लेट हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, तो पापा चले गए थे वॉशरूम फ्रेश होने। हो गया ले ली कोल्ड ड्रिंक? ले ली कोल्ड ड्रिंक? बाहर से लेना है? ठंडी निकाल लो। ठंडी कौन सी लेनी है भाई? एक थम्स अप है लिमका। ये पटियाला पैक भाई का? अरे पटियाला पैक मतलब पापा का। पहले पापा का। तो खाना खा लिया है, अभी लंच हो गया हमारा और 2 बज गए हैं दोपहर के। अभी चलते हैं आगे, कंटिन्यू करेंगे अब। और थोड़ा डाटा जो था अपना वो ट्रांसफर कर लिया लैपटॉप के अंदर। सो गए क्या सारे? अच्छा भाई ठीक है। तो अभी हम जस्ट मनाली के तरफ पहुंच ही रहे हैं, तो ये वाला जो टोल है ये बंद पड़ा है अभी, जो नया अभी बन ही रहा है अभी फिलहाल, नया बाईपास रोड है ये। ये कहाँ से कहाँ जाता है भाई? कीरतपुर साहिब से मनाली। कीरतपुर साहिब से मनाली, यस। और दोस्तों रोड एक नंबर का, कति मजेदार। हिमाचल प्रदेश में एंट्री ले रहे हैं भाई अब हम, यस। 80 रुपए जी? 80 रुपए? पहले 50 रुपए लेते थे ना शायद, वो छोटी कार के। अच्छा छोटी बढ़ गए उसके भी? उसके भी बढ़ गए हैं अब, सबके बढ़ गए रेट। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली अप्रैल से रेट बढ़ गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा हिमाचल प्रदेश में स्वागत है, और हमारे साथ साथ आप सबका भी स्वागत है। ये देखो आ गए जी हम पहाड़ों में, बाबे कितने पहाड़ा चो। तो कैसा लगा भाई? सुपर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? रोड बढ़िया बना दिया, अभी तो आगे मजा आना है। ये अभी तो शुरुआत है, पर लिखा है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। वन साइड कर रखा है इन्होंने यार। अरे वो जा तो रहे हैं, नहीं यार वो घूमेंगे, सारे घूमेंगे। मैडम क्या चक्कर है इधर? हाँ यार सब सबको ही घुमा रहा भाई वो। चल कोई बात नहीं जी, हम घूम लेते हैं, जब सभी जा रहे थे हम भी चल देते हैं। हाँ, हाँ। वो है ना टनल की बजाय अब यहाँ से निकाल दिया, आगे मिला देंगे कहीं। कई देर हो गई ना घूंटने मारी, इसकी स्वाद आ गया यार। आओ पहाड़ों को देखते हुए पिएंगे आराम से, नज़ारे लेते हुए।
तो दोस्तों हमें मिल गया हुक्का और हुक्का पीते हैं भाई, किसी का भी हो दे देंगे वापस। क्या जंडर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। अभी हम हैं मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, मंडी पहुँचने वाले हैं, अभी दूर है थोड़ा, अभी चहल चौक पे हैं, या इस पे ढाबे से पे रोका हमने, थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, थोड़ा सुस्ता लेते हैं, बाकी कंटिन्यू चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बढ़िया है, रास्ता खाली है ऑलमोस्ट, मतलब कोई रश नहीं है इतना। और सब शूट, और सारे शूट में लगे हुए हैं, अपने अपने फोटो शूट में लगे हुए हैं। देखो दोस्तों क्या मस्त व्यू है, पर बहुत तेज धूप है यार, अभी तो बहुत गर्मी है। भोलेनाथ जी थोड़ी घटा कर दो, बारिश कर दो, मजा आ जाए। ताकि हमारी कॉफी आ गई है, ये रही हमारी कॉफी। तो इसी के साथ हमारे चार्जर अब काम आएंगे। ये अपना प्रोटोनिक्स का लिया है हमने कार लैपटॉप चार्जर, और एकदम मस्त है। अभी एक टाइम में दो फोन लगा दिए हैं अभी हमने, और बाकी लैपटॉप अभी चार्ज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लैपटॉप मैंने अभी पूरा अपना बैकअप कर रखा है, फुल चार्ज है। तो अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे, कोशिश करते हैं कुल्लू पहुंचते हैं। वो सब कुछ सामान है, बस हमारे पास पिंचर किट नहीं है, यहाँ तक कि एयर प्रेशर वो भी ले लिया है, ताकि टायर में हवा डालने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे आपको दिखाऊँगा ज़रूर। तो सोच रहे कि हाँ मिल जाए अगर पिंचर किट अपने ट्यूबलेस टायर की, तो देखते हैं। भाई आए हुए हैं यहाँ पर, मिल गई भाई, एक छोटा सा कटर होता है बस, दिखाओ जैसे रेट तो पूरा नहीं है ना। कितने का बता रहे हैं? 300 का बता रहे हैं। 300 का नहीं, 300 का ज्यादा महंगा बता रहे हैं अंकल आप, वो चीज भी पूरी नहीं है ना, ग्लोरी नहीं है ना, नहीं वो नहीं, फिर वो किसी मैक में आती है ना, समझ गए मैं भाई, जब यहां मिल रही था कुल्लू मंडी में नहीं मिलेगी भाई, दिल्ली से यहां आ गए हो, ये ध्यान रखना, दिल्ली से तुमने कोशिश ही नहीं करी है मेरे को बार बार एक चीज मत कहो, क्या कोशिश नहीं करी, कैसी बात कर रहे हो, नहीं जब मैं तेरे से कह दी करोल बाग, बस तुम वहां गए, वो नहीं मिली भाई, वो मिलेगी वो चांदनी चौक गए, जब तुम नहीं लाए तो फिर हम क्या, चांदनी चौक नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हां, तो भैया भाई गए थे, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, मैं यार भाई सब जा रहे थे, अरे तो कंप्लीट होती ना तो भी ले लेते, कंप्लीट तो है नहीं ना, वो गम है इसमें ब्लू, वो गम हमारे पास बहुत है, वो ना बड़ी होती है, वो जो ये जो गम हमारे पास बहुत है, पेंशन में गाड़ी से चला, बीच में चला, देख रहे हो कितना कम है हमारे पास, इसके वो जो है ना, इसके वो जो बड़े नहीं है, वो ये देखो दोस्तों दोबारा से नया रोड आ गया एकदम से, मक्खन वाला, हाँ वो पुराने सही रहे, हमने वो पुराने से हटके, नए पुराने से हटके 172, अरे वाह आ गए ना, फिर नए वाले फिर मिल चुके हम, ये जल्दी बचाएगा, अब टाइम हमारा बचेगा थोड़ा और बचेगा, इस खुशी में हम एक गाना सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया गाना सुन रहे हैं, पंजा पंजा दर्द, हाँ भैया पंजा आराम से, बीच में सोनू पंजा बीच में रखू, सोनू को बिल्कुल डर है, स्पीड आ रही है इसमें, मैं निकला ओ पेटिले ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, महबूब का क्या नाम है और क्या है पर्दा। सो फाइनली अभी हम आ गए, पहली टनल है हमारी, इसका टनल नंबर तो 4 लिखा हुआ है, बट हमारे लिए पहली टनल है जिसके हम अंदर अभी घुसे हैं, तो अभी देखते हैं आने वाले रास्ते में कितनी और आएंगी हमारी जिंदगी की पहली, बस एक और आएगी तो ये देखो दोस्तों एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, एकदम से वक्त पलट गया एकदम, देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो भी आगे दिखाऊंगा, जब अटल टनल आएगी तब आपको दिखाऊंगा, पूरा एकदम पलट जाएगा, यहाँ से अभी मंडी रहता है 42 किलोमीटर, तो बढ़िया है, मजे आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, भाइयों से पूछो कैसा मजा आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा भाई मजा, सुपर आ रहा ना, ये भाई आप तो बता दो, सुपर हाँ फिर ठीक है, ये पापा जी ऑल गुड, हाँ यस, पता ही नहीं चल रहा रास्ते का, अरे वाह मजा कर दिया भाई गडकरी तो एक बार थैंक यू तो बोल दो उनको, गडकरी जी हमारी तरफ से थैंक यू, इतना सुंदर रोड हमें दिया है, यस दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे उनका, दिल खुश किया दिल खुश किया, देखो कितना, ये देखो गाइस क्या गजब है, ये पहाड़ काट दिया देखो दोस्तों, ओ भाई गजब
देखो ना भाई कितना बड़ा पहाड़ हुआ ये, बिल्कुल इतनी बड़ी गेती से हमारे सामने काटा था पिछली बार हम आए थे, गेती लेके खुद लगा हुआ था खुद ही। नितिन गडकरी, क्या नाम था? नितिन गडकरी। और अभी ये क्या कह रहे थे चिंटू? खुद तोड़ रहा था वो पहाड़। अगर कोई काम हो रहा होगा टनल में, जो हमारी फर्स्ट टनल पड़ी थी उसमें शायद कुछ काम हो रहा था, इसी वजह से हमको इधर डाइवर्ट कर दिया। हाँ। जो कि पुराना रूट था ना, हम उस रूट पे आ गए थे, बट कोई नहीं, वापस दोबारा से इसी रूट पे आ गए हैं, नए वाले पे आगे से उन्होंने फिर से डाइवर्ट कर दिया, तो ऑल थैंक्स। कि अभी आगे का कुछ प्लान नहीं है, अभी देखते हैं कहाँ पे स्टे करेंगे। हाँ हाँ। मंडी में रुकते हैं या फिर कुल्लू में या फिर मनाली, उसके बाद अपना टेंट वेंट सेटअप करेंगे जहाँ हमें अच्छी लोकेशन मिलेगी, उसके बाद फिर अपना जो भी हमारा डिनर होगा वो आप सब भी देखना, मत देखना मत हमारे साथ, मतलब कि खाना आप भी मतलब फील करना, टेस्ट लेना। यस, लेकिन सबसे पहले हमारा चैनल यस भाई, यार मैं चीज तो फिर से आज भाई ने बात मुझे पहले बोली थी, एक बार आप मेरे लिए आप ही बोल दो आज। लाइक करें अमन लोहेरा के व्लॉग से, तो सबसे पहले हमारे चैनल को वो सर, अरे यार मेरा सफर कराइब सर करें, तो और आगे आगे भाई के, हमारे छोटे भाई के और अच्छे आपको ब्लॉग मिलेंगे भोलेनाथ की कृपा से, तो जय बोलेगी जय बोले। तो गाइस भाई कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप अब तक ब्लॉग में हो सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और लाल बटन भी दबा देना, पिताजी ने कह दिया, बोल दो पिताजी एक बार, आप भी बोल दो। बोलो ना, आपकी शर्मा रहे हो, लाल बटन दबा देना। यस ठीक है दोस्तों, लाल बटन जरूर दब जाना चाहिए। चलो चलो, एक और हमारी टनल आ गई है, ये टनल नंबर 5, टनल नंबर 5। यस, और बहुत ही सुंदर टनल है। यस, हमारी भाई 3 टनल इन्होंने गायब कर दी, जैसे हम उसमें पहली में अगर घुस जाते ना। हाँ। तो हम कंटिन्यू ऐसे चलते रहते इसी रूट पे, तो और शायद अब तो हम मनाली होते 100% होते। घूम तो बहुत लिए हैं भाई, भी बहुत घूमे, अभी जस्ट यही बात हो रही थी हमारे, बस मन की इस बार ये है कि अभी बोल रहे हैं भोलेनाथ जी को कि हमें चाहिए लाइव स्नोफॉल, बस वैसे स्नो तो बहुत देख लिया है, बहुत ज्यादा। अगर भोलेनाथ जी सुन रहे हो ना, तो बस इस ट्रिप में हमें हमारा ये एक्सपीरियंस जरूर करवा देना आप। मुस्कुराइए, आप सुंदर नगर में हैं। मामा इसमें सारा ठाकुर ही है यहाँ हिमाचल में। भाई मुस्कुराइए, आप सुंदर नगर में हैं। यस, हम सुंदर नगर में हैं। मामा हम गिलेसिया नगर में हैं। मामा मामा का रखा हुआ नाम उसका गिलेसिया। सो अभी आ गए सुंदर नगर में, और यहाँ पे हमें मिल जाएगी ओप्सो पिंचर किट, देख लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, बढ़िया अंकल जी, आप सुनाइए आप कैसे हैं अंकल जी। वो चाहिए हमें पिंचर किट, दिखा दीजिए ट्यूबलेस टायर वाली। सही से बताओ, 355 नेट फाइनल है भैया, उससे कम नहीं, जो साइज है वही लगा रहे हैं, हमारे वो जा रहे हैं कोई कमाई का लालच। सो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मंडी का गुरुद्वारा, बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा बनाया हुआ है, बहुत बड़ा है ये देखो। तो दोस्तों अभी मंडी से थोड़ा सा आगे आए हैं, और एक यहाँ पर कैंप साइट मिल गई है, मतलब क्या एक अंकल जी का घर है, तो अभी हमारी गाड़ी यहीं खड़ी है और हम भी यहीं पे लगा लेंगे अपना सेटअप, तो अभी करते हैं स्टार्ट, होगी स्टार्ट। ठीक है भाई, कैसे मर्जी कर दूँ, अभी 2 मिनट रुक जाओ, तो सेटअप कर दो भाई, खुलवाओ इसको, बहुत अच्छा हो गया ना कमरे का, है ना, नहीं वो बात वही तो है ना, काय करना ना कमरे में। कमरे में तो रोज ही रहता है, कमरे में तो रहने की जरूरत नहीं, हमारा कैंपिंग और बढ़िया हो रहा है। सिर्फ एक आपको टॉयलेट की समस्या होगी और कोई समस्या नहीं, यही है टॉयलेट की ना, जो वही ऊपर तो आप कर सकते हैं जब साफ वगैरह करना है, पर टॉयलेट आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा है जंगल हमारा। हाँ ये देखना चिंट, रुकिए रुकिए एक मिनट, जब पाइप ठीक कर लिया ना बेटा, खराब हो जाओगे, दिक्कत हो जाओगी लेबर। चलो दिखाओ भाई, पार्टिसिपेट करो, मेरे बाद नंबर, चलो 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 भरो, भाई उधर सेट हो ना कोने में, खुलेगा भाई, करते रहो भरो। तो अभी कैंप सेटअप हो रहा है अपना यहाँ पर, एक गद्दा तो हो गया रेडी और दूसरा गद्दा भी होने वाला है रेडी। एक को ले लेता यार तू, इसको
एक बार एक्सपीरियंस तो ले लो, एक और ले लूंगा भाई। नहीं होटल में उड़ने की फिर और क्या की यही करते रहेंगे फिर। हालत खराब हो गई दोस्तों बिल्कुल ही गर्मी में। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा फ्रेश व्रेश होएंगे, सेटअप करने के बाद फिर अच्छे से थोड़ा इधर उधर नहा लेंगे, कहीं पे देख के ऑप्शन। मूवी बन रही है ना? हाँ जी अंकल, हाँ हाँ मूवी बना रही है। वेरी गुड, बाय 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 बाय। चाचू हमारे चिकन धो रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा सेटअप हो गया है, कैंप सेट। ये देखो दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको। इधर अपनी गाड़ी खड़ी है ये सामने, और ये हमारा लग गया है कैंप टेंट। ये देखो और ये हमारा खाना बन रहा है। खाने में हमारा चिकन बनेगा, चिकन पुलाव, और ये हमारा बूटेन गैस, और आज के शेफ है हमारे पिताजी उनकी। अब वो प्लेट गिरेगी, प्लेट गिरेगी, हाँ मसाले गिरेगा। और पिताजी का साथ दे रहे हैं हमारे बड़े भाई सोनू भाई और अजय भाई। यस करूं। हाँ जी बताओ। इलायची दे दे, लौंग, इलायची। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। रात के बज गए हैं भैया 11:20, और टेंट में अपने लेट गए हैं, गाड़ी में भी हो गया एडजस्ट। एक बंदे की हो रही है दिक्कत क्योंकि आज है गर्मी, वो इन्हें एक दिन एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर तो चार बंदे आराम से आ ही जाने हैं टेंट में। तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।